हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग फिलॉसफी पेपर फोर का किस क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को पेपर थ्री का आप लोग एग्जाम देकर आ चुके हैं और उस एग्जाम से पहले भी डीवीएस टीम ने आप सभी के लिए क्या जारी किया था, गेस पेपर जारी किया था। किस सब्जेक्ट के लिए? तो फिलॉसफी पेपर थ्री के लिए। और उस वीडियो को देखने के बाद आप सभी की काफी बेहद मांग थी कि पेपर फोर का भी अब क्या लाया जाए, तो फिलोसफी पेपर फोर का भी गेस क्वेश्चन लाया जाए, यानी कि गेस पेपर लाया जाए। यह गेस पेपर आज ही इस वीडियो के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप न माने, फ्री की भी वैल्यू होती है, लेकिन आप लोग वैल्यू नहीं करते हैं, ये अलग की बात है। लेकिन इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद आप सभी के डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पे सब्सिडरी पेपर का भी कुछ सब्सिडरी पेपर का क्या जारी हो चुका है, तो वीडियो जारी हो चुका है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बना दिया गया है, उस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट एक बार अवश्य रूप से कर लीजिएगा। जैसे कि हिस्ट्री सब्सिडरी पेपर का, पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी पेपर का और सोशोलॉजी साइकोलॉजी, ये सभी कुछ सब्सिडरी पेपर का क्या जारी किया गया है, गेस क्वेश्चन जारी कर दिया गया है, गेस पेपर जारी कर दिया गया है डीपीएस टीम के द्वारा। अगर आपका अलग कोई सब्सिडरी पेपर है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका सब्सिडरी पेपर कौन सा है और आपको सबसे पहले किस सब्सिडरी पेपर का वीडियो चाहिए, इसके लिए आपको कमेंट करना है। लेकिन कमेंट आप कहाँ पे करेंगे? कमेंट सेक्शन में जाने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है कि किस सब्जेक्ट से आप रिलेटेड है और आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट का गेस पेपर चाहिए। आज तो फिलोसफी पेपर फोर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिलोसफी पेपर फोर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भौतिक की द्रव्य की सत्ता के खंडन के लिए बर्कले ने कौन कौन से प्रमाण प्रस्तुत किए, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर वन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू ऑफ दृष्टि से, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू देखिए, देक्राता में कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ का समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करें। यह एक वाक्य बोल जा रहा है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ का समीक्षात्मक क्या करना है, वर्णन करना है, विवरण प्रस्तुत करना है क्वेश्चन नंबर टू में। किसके द्वारा? तो देकार्ता के द्वारा जो लाइनें बोली गई थी और उसमें क्या उनका तर्क था, क्या अर्थ निकलता था उनके द्वारा, उन लाइनों के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे बोला जा रहा है स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य क्या है, यह भी आपसे लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फोर भी है, स्पिनोजा मन और शरीर के बीच संबंध है की व्याख्या करें, मन और शरीर के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में आप सभी के लिए लिखने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फाइव है, कांट के अनुसार पार्थिभास की सत्ता और पारमाणिकरण सत्ता या बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच अंतर लिखे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कांट के अनुसार। आपसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांट के अनुसार प्रांतिभाषिक सत्ता और प्रमाणिक सत्ता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, या तो बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो के क्या करना है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला जा रहा है कि हुमायूं के संदेहवाद कर्णता विचार की व्याख्या करें, संदेहवाद विचार की व्याख्या करें, या तो कर्णता विचार की व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेवन में आप देख सकते हैं, सरल तथा जटिल प्रत्ययों में लोग किस प्रकार भेद करते हैं, वर्णन करें। सरल तथा जटिल प्रत्ययों में लोग किस प्रकार भेद करते हैं, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर एट है, देकार्ता की दर्शन विधि की व्याख्या करें, देकार्ता के दर्शन विधि का क्या करना है, वर्णन करना है एवं परीक्षण करना है, दोनों बातें सेम ही होती हैं। व्याख्या करें, परीक्षण करें, विवेचना कीजिए, सभी बातें एक ही है। क्वेश्चन नंबर नाइन आप देख सकते हैं, लाइबनिज के पूर्व स्थापित समाज सिद्धांत का वर्णन करना है, लाइबनिज के पूर्व स्थापित समाज सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, देकार्ता द्वारा प्रस्तुत ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाणों की व्याख्या एवं
परीक्षण करें। डेकार्ता द्वारा प्रस्तुत ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाणों की व्याख्या एवं परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे अपना समाप्त हो जाए होता है और अपना वीडियो भी समाप्त होता है। इसी के साथ हम लोग किस सब्जेक्ट में मिलेंगे, तो सब्सिडरी पेपर में आप सभी से मिलेंगे। लेकिन सब्सिडरी पेपर का आप नाम क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बता दीजिएगा कि सबसे पहले आपको किस सब्सिडरी पेपर का वीडियो चाहिए। सब्सिडरी पेपर का वीडियो पब्लिश होने से पहले अपने चैनल डीपीएस स्टडी पे कुछ वीडियो पब्लिश हो चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री सब्सिडरी पेपर का, पॉलिटिकल साइंस का और इसी के साथ में सोशियोलॉजी का भी वीडियो पब्लिश हो चुका है। अगर इन तीन सब्जेक्ट के अलावा अगर आपका कोई सब्सिडरी पेपर है तो आप उस कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बता दीजिएगा सब्जेक्ट का नाम, उस वीडियो पे बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।